वेलकम टू ओरिजिन ईशाला। और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट हमारा लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक ऑफ अवर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर है इंटरप्ट्स, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई है, लाइक पोलिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरप्ट्स, वेक्टेड, नॉन वेक्टेड एंड ब्ला 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 लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसका जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टू रजिस्टर्स और आई वुड से इंस्ट्रक्शन, दैट इज सिम एंड रिम। तो ये जो दो इंस्ट्रक्शन है दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन सेटिंग और मास्किंग और अनमास्किंग द इंटरप्ट्स आई वुड से। तो आइए देखते हैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है सिम, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क। यानी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से हम लोग इंटरप्ट मास्क सेट कर सकते हैं, यानी किसी इंटरप्ट को मास्क कर सकते हैं। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इट इज नॉट ओनली ए इंस्ट्रक्शन बट इट इज ऑल्सो अ रजिस्टर, यानी सिम नाम का एक 8 बिट का रजिस्टर भी है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन काम करती है और हमारे इंटरप्ट्स मास्क हो जाते हैं या अनमास्क होते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे होता है। तो हमारा जो सिम इंस्ट्रक्शन है ये एक 8 बिट के रजिस्टर पे काम करता है, राइट। तो ये 8 बिट का जो रजिस्टर है सबसे पहले एक्यूमुलेटर में आता है और इसका जो इंटरप्रिटेशन है, यानी ये जो 8 बिट का रजिस्टर है इसमें हर एक बिट का एक अलग अलग मीनिंग है, तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी सबसे लेफ्ट मोस्ट पिन है वहां से हम चालू करेंगे, दैट इज SOD एंड SOE। तो दीज आर सीरियल पिन्स, यानी सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। जो हमारा डेटा होता है सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स जो होती है ये उसका ग्रुप है। अब SOD और SOE की अगर मैं बात करूं तो SOD इज सीरियल आउटपुट डेटा और SOE इज सीरियल आउटपुट इनेबल। तो ये दो पिन्स मिलके हमारा जो प्रोसेसर है अगर उससे सीरियल डेटा बाहर भेजना है तो ये दो पिन्स का हम या ये दोनों रजिस्टर के बिट्स का यूज कर सकते हैं। तो SOE सबसे पहले हमें 1 करना पड़ेगा। लेट्स से अगर SOD 1 है और SOE 0 है तो वो पिन काम नहीं करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, SOE को 1 करेंगे और फिर SOD को हम यूज करेंगे टू ट्रांसफर डेटा आउटसाइड द प्रोसेसर इन सीरियल मैनर, ठीक है। तो ये एक हुआ। अब इसके बाजू में अगर आप देखेंगे ना X लिखा है, तो ये X कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जी नहीं, इट इज अ डोंट केयर। आई होप आपने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उसमें डोंट केयर का मतलब आपको पता होगा, दैट इट इज अनयूज्ड, यानी इसका कोई काम ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट पिन है दैट इज RST 7.5, तो इट इज एन एक्स्ट्रा कंट्रोल फॉर 7.5, यानी आप इससे देख सकते हैं कि भाई RST 7.5 हमारा जो रीसेट पिन है या इंटरप्ट की जो पिन है उसका क्या हो रहा है। तो अगर ये पिन 1 है यानी हमारा जो RST 7.5 है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कंप्लीटली मास्केबल नहीं मास्केबल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बंद है, ठीक है। तो ये जो पिन है ना इट इज एन ओवरराइडिंग पिन अपार्ट फ्रॉम M7.5, यानी उसके भी ऊपर की एक पिन है। यानी अगर आपने इसको 1 कर दिया और बाकी का अंदर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो RST 7.5 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बंद का बंद रहेगा। अब हमारी जो लास्ट की 4 पिन है दैट आर फॉर M, तो M इज स्टैंडिंग फॉर मास्किंग। तो MSE सबसे पहले इसके बारे में बताती हूँ, दैट इज मास्किंग सेट इनेबल पिन, यानी अगर आपको मास्किंग चालू करनी है जो हमारे RST 7.5, 6.5 या 5.5 है उसके ऊपर सबसे पहले इस पिन को हमें सेट करना पड़ेगा। तो अगर ये पिन 1 है तो ही आप बाकी के जो इंटरप्ट है उनको मास्क कर पाएंगे। लेट्स से MSC 0 है और आप अंदर की पिन पे 111 लगा रहे या 00 लगा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें उन पिन्स को वर्किंग में लाना है सबसे पहले MSC 1 होना कंपलसरी है। अब जो लास्ट के 3 पिन्स हैं दैट इज M7.5, M6.5 और 5.5, तो ये मास्किंग की पिन्स है, यानी अगर आपको इंटरप्ट मास्क करने हैं तो इनको आप सेट या रीसेट कर सकते हैं। तो अगर ये पिन्स 0 है तो आपका जो मास्क है वो नहीं लगा, यानी इंटरप्ट कंप्लीटली काम कर रहे जैसे रेगुलर इंटरप्ट आता है और जो सीक्वेंस में काम करता है वो करेगा, नो इश्यूज। पर अगर इसमें से एक भी पिन 1 करते हैं आप तो आपका जो रजिस्टर है या जो इंटरप्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो इंटरप्ट है वो रुकेगा, यानी मास्क हो जाएगा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। तो आप ये जो मास्किंग और अनमास्किंग है इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं कि तीनों को साथ में करना है, नो इट्स नॉट नेसेसरी। आप किसी एक को भी मास्क कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो 3 को भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर आपको सुनने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो लेट्स चेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। तो इसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सिम इंस्ट्रक्शन है उसको आप यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हमें सिम रजिस्टर एक्टिवेट करना है तो उसमें डेटा तो भरना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा लिया है दैट इज 19H और इसको हम सिम रजिस्टर में लोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 19H जो है, अगर मैं रजिस्टर में ये वर्ड रखूँ जैसे 001 और 1001 इसको रखूँ तो ये क्या रजिस्टर में इम्प्लीमेंट करेगा या क्या करने वाला है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर मैंने ये जो आप रजिस्टर की लाइन देखेंगे इसके अंदर SOD SOE 0 है यानी हमारा सीरियल आउटपुट का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो रहा है। डोंट केयर पिन 0 है या 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 है दैट इज ऑल्सो फाइन, 1 है दैट इज ऑल्सो फाइन। RST 7.5 1 है यानी इट इज डिसेबल्ड, हमारी मास्किंग यहाँ पे बंद है। अब आप देख सकते हैं हमने MSC को 1 किया है यानी हमें किसी रजिस्टर इंटरप्ट को मास्क करना था, किसी इंटरप्ट को मास्क करना है। तो आप देखेंगे MSC को 1 करने के बाद हमने M5.5 को 1 रखा है तो यानी M5.5 जो हमारा इंटरप्ट है वो मास्क हुआ है। एंड व्हाट अबाउट द M7.5 और M6.5, दे आर नॉट मास्क यानी वो जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है 8085 का रन होने का वैसे ही काम करेंगे। एंड बाय द वे अगर आपको डाउट है कि हमारे इंटरप्ट नॉर्मली कैसे काम करते हैं जस्ट चेक आउट द वीडियो लेक्चर्स यार, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि इंटरप्ट का जो वर्किंग है चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसे काम करता है 8085 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ये जो सिम इंस्ट्रक्शन है ना उसमें ये 19H डालना है। अब हम लोग जब यूजली लोडिंग का जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वही हमें यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे हमको डालना है सिम में। तो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे हो सकता है सिम 19H लिखा और सिम में चला गया, नो इट्स नॉट पॉसिबल इन 8085। तो इसका एक तरीका क्या है, हम लोगों को जो भी कंटेंट सिम रजिस्टर में डालना है वो हमें सबसे पहले एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिखा है MVIA 19H यानी सबसे पहले ये डेटा मैं इमीडिएटली लोड कर रही हूँ एक्यूमुलेटर में। अब जैसे ये डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा फिर हम लिखेंगे खुल जा सिम सिम यानी मैं लिखूंगी फिर सिम। तो जैसे ही मैं सिम लिखूंगी ये जो 19H है ये एक्यूमुलेटर से यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिससे आप सिम रजिस्टर में ये डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, शायद कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होती एक्चुअली कि सिम रजिस्टर में काम कैसे किया जाता है, तो ये एक तरीका है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो हमने बात की सिम की, तो अब हम करेंगे खुल जा रिम रिम। तो हमने सिम सिम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं रिम रिम। तो हमारा जो रिम इंस्ट्रक्शन है या रिम रजिस्टर है आई वुड से, तो जो रिम रजिस्टर है दैट इज रीड इंटरप्ट मास्क। तो आप देख सकते हैं डेटा पहले आ गया और फिर रिम आया है यानी ये स्पेशली मैंने किया था बिकॉज रीड इंटरप्ट मास्क है, ये कुछ सेट नहीं करता, ये सिर्फ रीड करता है यानी जो चीज़ पहले से हो चुकी है वो सिर्फ बताएगा कि हाँ भाई ये काम हुआ है। किसको रीड करेगा, हमारी जो इंटरप्ट में मास्किंग हुई है वो हमें दिखाएगा कि ओके ये चीज़ मास्क हुई है। आपको उसमें चेंज करने को मिलेगा क्या, नो यू कांट चेंज द डेटा। तो यहाँ पे अब ये जो रजिस्टर है अगेन 8 बिट का होता है, तो आप देख सकते हैं 8 हमारे पास अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है नोटेशन। तो सबसे पहले अगेन लेफ्ट से चालू करते हैं, दिस इज अगेन SID। तो सीरियल इनपुट आउटपुट की एक पिन है दैट इज I लिखा है तो इनपुट यानी सीरियल इनपुट डेटा यानी अगर आपको प्रोसेसर के अंदर कोई सीरियल डेटा देना है देन यू हैव टू स्टार्ट दिस पिन। तो ये पिन अगर ऑन करेंगे ना, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप ये पिन ऑन कर रहे हैं ना तो आपको SOE की पिन भी शायद चालू करनी होती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रख लेना है और यू कैन जस्ट सर्च द डेटा कि SID डायरेक्ट यूज हो सकती है या नहीं हो सकती। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज I7.5, I6.5, I5.5, ये है हमारा पेंडिंग इंटरप्ट का स्टेटस। अब ये पेंडिंग स्टेटस कब आता होगा, लेट्स से हमारे पास तीनों के तीनों इंटरप्ट एक साथ ऑन हो गए। अब एक ही साथ तीनों इंटरप्ट तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, तो अगर एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी के कोई 2 जो बचे होंगे वो पेंडिंग में ही होंगे। लेट्स से अभी 6.5 काम कर रहा है तो 5.5 7.5 दोनों क्या करेंगे, पेंडिंग में रहेंगे, राइट। तो ये जो एक तरीका होता है कि हम लोग को देखना है अरे यार कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो गया और कौन सा बाकी है या किसकी मास्किंग है, तो ये सारा काम हमारा रीड इंटरप्ट मास्क से हो सकता है। तो हमारा ये जो जैसे मैंने बोला ये जो 3 पिन है ये क्या करती है, ये हमें बताती है कि कौन सा इंटरप्ट अभी भी बाकी है एग्जीक्यूट होना। तो ये जिसमें भी हमारी पिन 1 होगी लाइक यहाँ पे जो भी हमारा जो बाइट है अगर वो 1 है बिट दैट विल शो कि ये इंटरप्ट अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट है इंटरप्ट एनेबल फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है ये क्या करता है, ये 1 होता है, यानी ये बताता है कि हमारे जो इंटरप्ट से दे आर एनेबल्ड, यानी इंटरप्ट चालू है। सबसे पहले अगर आपने मास्किंग की है, उसके बाद अगर आप इंटरप्ट को ऑन करते तो पता तो चलना चाहिए कि भाई इंटरप्ट चालू है कि बंद है। तो ये अगर पिन 1 है, यू कैन से ओके द इंटरप्ट्स आर ऑन, नाउ दे आर वर्किंग एज लाइक रेगुलर इंटरप्ट मोड, राइट। अब यहाँ पे M7.5, M6.5 और M5.5 है, तो अब इंटरप्ट रन हो रहे हैं, तब तो मास्किंग हटाइए तभी रन हो रहे हैं। लेकिन अगर मास्किंग है और आपको चेक करना है यार मैंने किससे इंटरप्ट पे मास्किंग की या किसी और ने की, मुझे तो पता ही नहीं है किस पे की, अगर आपको चेक करना है यू कैन जस्ट चेक दिस 3 पिन। अगर ये पिन 0 है तो ये आपको बताती है कि कोई भी इंटरप्ट मास्क नहीं है, और अगर इसमें से कोई भी पिन 1 है इट शोज कि वो पर्टिकुलर इंटरप्ट मास्क्ड है। तो अगर आपको रिमूव करना है आप क्या करेंगे, सिम में जाएंगे, डेटा चेंज करेंगे और आपका जो इंटरप्ट है जो मास्क है वो अनमास्क्ड हो जाएगा। तो आई होप ये जो आपको रजिस्टर है ये पता चल गया होगा। अब अगर आप बात करेंगे कि यार रिम को लिखना पड़ता है, नहीं, जैसे मैंने बोला रिम इज टोटली रीडेबल, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो सिम का डेटा है उसका हम चेक कर सकते हैं कि ओके सिम में जो काम हुआ है वो यहाँ पे कितना चल रहा है, या पेंडिंग है या मास्क है या नहीं। तो इसके लिए अगर आपको मैं बोलूँ कि रिम का डेटा देना है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट टेक द ऑप कोड, इसका जो भी ऑप कोड है वो आप लिखेंगे, वैसे ही आपको एक्यूमुलेटर में इसका डेटा दिख जाता है। तो आप एक्यूमुलेटर जब भी चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि रिम के अंदर क्या है। तो आई होप आपको रिम और सिम का जो बेसिक वर्किंग स्टाइल है या जो उसका रजिस्टर है पता चल गया होगा क्लियरली। इसी के साथ मैंने आपको सिम का जो वर्किंग है वो भी समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी समझने में। और भी कुछ डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर ये पीपीटी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज विजिट अवर ब्लॉग एंड डाउनलोड दिस पीपीटी। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डाउनलोड लॉट ऑफ पीपीटीज, लॉट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर ब्लॉग। और बहुत सारे इंजीनियरिंग के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, गिव इट ए लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, सो हमारा चैनल भी बढ़े और आपकी नॉलेज भी बढ़े। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.